खरगोन के घुघरिया खेड़ी में जिला सहकारी बैंक की शाखा से 21,26,000 रुपए की चोरी के मामले में बैंक के ही सुरक्षा गार्ड ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें बैंक का सुरक्षा गार्ड अंतिम पाटीदार ही चोरी का आरोपी निकला है। 31 अक्टूबर के दरमियानी रात को बैंक लॉकर से सुरक्षा गार्ड ने चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से जब्त राशि गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन बुलाई। पुलिस जांच और पूछताछ की बात कर रही है। जिला सहकारी बैंक के प्रबंधन ने मैनेजर त्रिलोक चंद्र सिंह भाटिया सहित अकाउंट और पासिंग अधिकारी को निलंबित किया है। आरोपी ने जुर्म कबूल कर खुद ही चोरी करने की बात स्वीकार की है। अब आरोपी से गोकवा पुलिस पूछताछ कर रही है। चोरी क्यों कर ली थी, क्या होगा था? अच्छा, कोई ने बोला था क्या? नहीं। फिर कैसे दिमाग में आ गए? मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था। देखिए, 1 नवंबर को गोगामा थाने में रिपोर्ट हुई थी कि जो कोऑपरेटिव बैंक है घुघरिया खेड़ी ब्रांच में लगभग 21 लाख रुपए की कैश की चोरी हुई है। इन्फॉर्मेशन मिलने के तत्काल बाद सारे सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे थे और प्राइमरी जो एविडेंस था उसमें क्लियर हुआ था कि बैंक का जो सिक्योरिटी गार्ड है अंतिम पाटीदार, उसकी भूमिका संदिग्ध है और वो लगातार बैंक से गायब भी था। तो अंतिम पाटीदार की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें लगाई गई थी। इसमें ये सूचना मिल रही थी कि इसकी उपस्थिति मुरैना, ग्वालियर, धौलपुर, आगरा और भिंड क्षेत्र में है। तो वहाँ के पुलिस अधीक्षकों से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी मदद की जाए, इसकी गिरफ्तारी के लिए। हमारी एक टीम अभी परसों आगरा गई थी तो जानकारी मिली थी कि आगरा में ये रात्रि में रुका है और वहाँ से भी निकल गया है। तो पुलिस टीमें लगातार इसको चेज कर रही थी और उसके कारण आज ये अपने परिजनों के संपर्क में आया और परिजनों के माध्यम से इसको आज गोगामा थाने में उपस्थित किया गया है। इसके प्राइमरी पूछताछ में इसने अपना गुनाह कबूल किया चोरी करना। इसके कस्टडी से जो बैंक का चोरी गया कैश था 21,26,999, सारा पूरा कैश बरामद हो गया है।